नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा चरम पर है। फतेहाबाद के गांव रताखेड़ा में किसानों और मजदूरों ने पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका। भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए, अन्यथा किसान दिल्ली की सड़कों पर अपना घर बना लेंगे। पल पल फतेहाबाद से राजेश फांबू की विशेष रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार आज 10वें दिन जारी है, जहां एक ओर हजारों की संख्या में किसानों ने दिल्ली की ओर कूच कर रखा है, वहीं प्रदेश के किसानों का गुस्सा अब अपने चरम पर पहुंचने लगा है। किसान लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो जिले के गांव रताखेड़ा में आज किसान मजदूरों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला फूंका। प्रदर्शन कर रहे किसानों और मजदूरों ने सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार इन तीनों कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस ले, अन्यथा ऐसा न हो कि प्रदेश की सड़कों पर किसानों को अपना घर बनाना पड़े। उन्होंने साफ किया है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो 8 को भारत बंद का ऐलान किया जाएगा, उसमें सभी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और उसके बाद 10 तारीख को दिल्ली के चारों तरफ घेराव डालेंगे और सभी सड़कों को जाम कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। आज जो गांव रताखेड़ा में मोदी का और केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया है, पिछले 26 तारीख से जो आज 9वां दिन है, लगातार दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में आज रताखेड़ा के बस स्टैंड पर पुतला फूंका गया है और जो किसान मांग कर रहे हैं खेती को तबाह करने वाले तीनों कानूनों के खिलाफ जो काले कानून सरकार लेकर आई है उसको रद्द किया जाए, इस डिमांड को लेकर जो पिछले 9 दिनों से लगातार दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है किसानों में, उसके आह्वान पर जन संगठनों के जो आह्वान किया था कि पूरे देश के अंदर गांव-गांव स्तर पर व शहर-शहर स्तर पर केंद्र सरकार के मोदी के अंबानी अडानी के पुतले फूंके जाएं, उसी कार्रवाई के तहत आज गांव रताखेड़ा के ग्रामीणों ने गांव रताखेड़ा के बस स्टैंड पर मोदी का पुतला फूंका गया। अगर ये मांगे नहीं माननी जाती आगे आंदोलन कैसा होगा? अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी जाती किसानों की, जो खेती को तबाह करने वाले तीन कानून हैं जो उनको रद्द नहीं किया जाता, तो ये आंदोलन लगातार लंबा चलेगा और 8 तारीख का पूरा भारत बंद है और 10 तारीख को हम पूरे दिल्ली को जो नजदीक गांव है और चारों तरफ से दिल्ली को 10 तारीख को पूरा एकदम कूच करेंगे और दिल्ली को पूरी तरह से जाम करेंगे।